बिस्मिल्लाह अस्सलाम स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ हालत दवान। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं हाई डीसी इन्वर्टर एसी पर और उसके एरर कोड E7 पर। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। तो दोस्तों ये E7 किस चीज़ का एरर है ये मैं आपको बताऊँगा कि ये क्यों आता है, इस क्या फॉल्ट होता है, किस वजह से ये E7 हायर के डीसी इन्वर्टर पे आता है। तो दोस्तों बेसिकली E7 जो है वो कम्युनिकेशन एरर है हायर के डीसी इन्वर्टर का, जो इनडोर से आउटडोर आपकी वायर जा रही है, जो इनडोर से आउटडोर की सप्लाई देती है उसमें प्रॉब्लम है, या आपके जो कनेक्शन है आपने जो इनडोर में किए और आउटडोर में किया उनमें कोई मसला है, वो ठीक नहीं है, सेम नहीं है, तो उस वजह से ये E7 का कोड आ जाता है और AC जो है वो काम नहीं करता। तो दोस्तों अपने AC का जो इंडोर और आउटडोर है उसके आपने कनेक्शन अच्छी तरह से देख लेने, अच्छी तरह सेम कर देने, तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करें और शेयर दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।